ये जो विराट अस्तित्व चल रहा है, चांद तारे सूरज, ये इतना जो गहन विस्तार है, जो इसे चला रहा है, वो तुम्हारे छोटे से जीवन को न चला पाएगा। इतना विराट संभला है, तुम नाहक मेहनत कर रहे हो खुद को संभालने की। जिसके सहारे सब संभला है, उसके सहारे तुम भी संभले हुए हो, लेकिन तुम बीच बीच में सोच के अपने लिए बड़ी चिंता पैदा कर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं अगर न रहा तो दुनिया का क्या होगा, ऐसा चिंता करने वाले लोग भी हैं। तुम्हारे बिना कोई कमी ना पड़ेगी, तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम नहीं रहोगे तब भी दुनिया होगी, सब ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारे होने से रत्ती भर भेद नहीं पड़ता, तुम्हारे न होने से भेद नहीं पड़ता, तुम तो एक तरंग मात्र हो। सागर पे एक तरंग को यह ख्याल आ जाए कि अगर मैं न रही तो सागर का क्या होगा, तो तरंग पागल हो जाएगी। तरंग के न रहने से सागर का क्या होता है, सारी तरंगें भी शांत हो जाएं तो भी सागर होगा। और तरंग है भी नहीं, सागर ही है, सागर ही तरंगाए थे, सब लहरें सागर की हैं। तुमने एक बात ख्याल की, सागर तो बिना लहरों का हो सकता है, लेकिन लहरें बिना सागर की नहीं हो सकती। ये अस्तित्व तो मेरे बिना था, मेरे बिना होगा, लेकिन मैं इस अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता, एक क्षण नहीं हो सकता। तो निश्चित ही मेरा होना अलग थलग नहीं है, मैं इस विराट के साथ एक हूं, इसी की एक तरंग हूं। ऐसा जान लेता जो, उसमें अचुनाव पैदा हो जाता, वो अकर्ता हो जाता है, उसके भीतर साक्षी का जन्म होता है। और साक्षी हो जाना इस जगत में महत्तम से महत्तम घटना है, चैतन्य का ऊंचा से ऊंचा शिखर है। जब तक वैसा शिखर न मिले तुम दुख में रहोगे, जब तक वैसा कमल तुम्हारे सहस्त्रार में न खिले तब तक तुम दुखी रहोगे। दुख यही है कि जो हम हो सकते हैं हम नहीं हो पा रहे, और नहीं हो पा रहे हम अपने ही उपद्रव के कारण। चिंता में शक्ति जा रही, फूल खिले कैसे, विषाद में प्राण अटके फूल खिले कैसे, रोने में तो सारी योजना डूबी जा रही, मुस्कुराहट आए कैसे, सारा जीवन तो आंसुओं से बहा जा रहा, फूल ढले तो ढले कैसे। तुम अगर चुनाव छोड़ दो, तुम सिर्फ साक्षी हो जाओ, देखते रहो, और जो प्रभु कराए करते रहो, करता ना बनो, ऐसा ना कहो कि मैंने किया उसने करवाया, बुरा तो बुरा भला तो भला, न पीछे के लिए पछताओ न आगे के लिए योजना बनाओ। इसको अष्टावक्र ने कहा है आलसी शिरोमणि, वो जो आलस में परम शिखर पर पहुंच गया। इसका यह अर्थ नहीं कि उसके कर्म शून्य हो जाते, सिर्फ कर्ता शून्य हो जाता, कर्म की विराट लीला तो चलती ही रहती, नाच चलता रहता नाचने वाला खो जाता है, गीत चलता रहता गायक खो जाता, यात्रा चलती रहती यात्री खो जाता।